हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं चौथे हफ्ते के, जर्मनी के जो चौथा हफ्ता है उसमें काफ़ी सारे दिन हैं, लगभग 11 दिन हैं, उसको दो भागों में विभाजित करूंगा। 21 से 26 जनवरी तक के यानी पांच दिन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं इसमें कवर करूंगा। 22, 23, 24, 25 और 26। 21 जनवरी का जो दिन था उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थर्ड वीक में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सिर्फ पाँच दिन में 120 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। और आप जानते हैं स्टडी आईक्यू के जो वीडियोस होते हैं उनमें अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको फिर किसी मैगजीन, किसी रिसोर्स, किसी न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए खुलकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है वो हो रहा है रेलवेज और एसएससी 2017 के लिए। इसके अलावा आईबीपीएस, पीओ और एसबीआई के लिए भी ये उपलब्ध है। 2017 सारे पेन ड्राइव अपडेट कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप पेन ड्राइव लेते हैं तो ना सिर्फ आपको फुल 100% कोर्स वीडियोस के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा बल्कि हर हफ्ते दो नए वीडियो पेन ड्राइव कोर्स में जोड़े जाएंगे। हर हफ्ते दो नए वीडियो, ये किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एट्सेट्रा। और अगर आप कोई भी पेन ड्राइव हमारा खरीदना चाहते हैं तो 9580048004 पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आपने पिछली बार मुझे कहा था कि मैं अगर क्वेश्चंस के अंदर इमेजेस डालूंगा यानी फोटो डालूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा आसानी से आप याद रख पाएंगे। तो अब से जितने भी वीडियो हैं सब में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इमेज डालने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय क्रिकेटर है जिसे बैंगलोर यूनिवर्सिटी डॉक्टर की उपाधि दे रहा था? इसे बोलते हैं ऑनरेरी डॉक्टरेट, यानी जब आपको सम्मानित करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी डॉक्टर की उपाधि देती है तो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ये पढ़कर ही डॉक्टर बनना चाहेंगे, डॉक्टर की उपाधि लेना चाहेंगे, ऐसे ऑनररी नहीं लेना चाहेंगे। तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। ये खुद कर्नाटक के हैं और राहुल द्रविड़ ने डॉक्टर की उपाधि लेने से मना कर दिया बेंगलोर यूनिवर्सिटी द्वारा। तो राहुल द्रविड़ का जो निकनेम है वो है द वॉल। इनको वैसे जैमी भी बुलाते हैं, जैमी। अगला सवाल है कि इस बार ईरानी ट्रॉफी किसने जीती? याद रखिए ईरानी ट्रॉफी खेली जाती है क्रिकेट के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट ट्रॉफी याद रखनी है, रणजी ट्रॉफी, जो अभी अभी खत्म हुई है। रणजी ट्रॉफी अपने इतिहास में पहली बार जीती गुजरात ने। मुंबई को फाइनल में हरा के पार्थिव पटेल ने शानदार पारी खेली, लेकिन गुजरात ईरानी ट्रॉफी में फाइनल में हार गया रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए रिद्धिमान साहा, जो बंगाल से आते हैं, रिद्धिमान साहा, इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, शानदार पारी खेली और इसको एक तरफा मैच था लगभग, इसको हरा दिया। तो जो ईरानी ट्रॉफी है ये रणजी ट्रॉफी के जो विनर होते हैं उनके बीच और रेस्ट ऑफ इंडिया की जो टीम होती है उनके बीच खेला जाता है, एक ही मैच होता है ईरानी ट्रॉफी के अंदर। तो रेस्ट ऑफ इंडिया इसमें जीत गया। उसैन बोल्ट के बारे में क्या कहें, आज तक के इतिहास के सबसे तेज धावक, इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड और तीन पिछले ओलंपिक में तीन गोल्ड मेडल यानी टोटल 9 गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिए हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडल इनको वापस करना पड़ेगा और वो है 2008 ओलंपिक में जो इन्होंने रिले रेस के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि इनके सह धावक यानी इनके साथ जो दौड़ लगा रहे थे रिले रेस में नेस्टा कार्टर, वो ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए। उनका जो ब्लड सैंपल है वो प्रतिबंधित दवाओं के लिए पॉजिटिव पाया गया। कौन सी ड्रग्स ले रहे थे नेस्टा कार्टर, और इस खिलाड़ी का नाम भी याद रखना है नेस्टा कार्टर। और उसैन बोल्ट कौन से देश के हैं, तो ये भी आएगा, जमैका के हैं, वेस्ट इंडीज के अंदर है जमैका। तो ये जो ड्रग ले रहे थे उसका नाम है मिथाइल हेक्सामीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन नेस्टा कार्टर की वजह से बोल्ट को ये अपना पदक वापस देना पड़ा। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने अभी अभी इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया को रोक दिया है, यानी कि भारत से जो चिकन या दूसरे जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये देश नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू फैला हुआ है केरल के अंदर। तो इसलिए ये देश भारत से मुर्गियां, मुर्गे ये सब नहीं खरीदेगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। ये देश है हांगकांग, और हांगकांग ने भारत को वीज़ा ऑन अराइवल देने से भी मना कर दिया। हांगकांग जो है ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। 68वां रिपब्लिक डे परेड अभी हुआ, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये मैं क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। तो 68वें रिपब्लिक डे परेड पर हमारे चीफ गेस्ट थे मोहम्मद बिन जैयद अल नैयान, जो कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के क्राउन प्रिंस हैं, युवराज हैं। और भारत और यूएई के बीच काफ़ी सारे एमओयू भी साइन हुए हैं, तो ये भारत इंडिया यूएई रिलेशंस पे मैं एक अलग स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। इसके अलावा जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस था उस पर हमारे चीफ गेस्ट थे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा।
तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है भारत की जिसने एक बीमा योजना शुरू करी है जिसका नाम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। मैं रिपीट करता हूं, वरिष्ठ मतलब जो बूढ़े लोगों के लिए होता है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, और ये लागू हो जाएगी। तो ये शुरू करी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। एक बात और, केंद्र सरकार ने जो हमारी 5 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके अंदर 25% अपना स्टेक कम कर दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। इनमें से अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने शपथ ली अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में अभी अभी, और ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही कहा, इनका एक इलेक्शन प्रॉमिस भी था कि इस देश से ड्रग्स रोकने के लिए मैं एक दीवार बनाऊंगा। तो कौन से देश के खिलाफ ये एक दीवार बनाना चाहते हैं जिससे जो टेररिस्ट हैं और जो दूसरे ड्रग ट्रेडर हैं वो अमेरिका में ना घुस पाएं? तो ये देश है मैक्सिको। और ये जो फिजिकल वॉल है ये बनाई जाएगी, लगभग 2000 मील लंबी दीवार, लेकिन ये एक जुमला था, चुनावी जुमला था, ये जो वॉल है ये बनी नहीं सकती, इतनी सारी इसमें बाधाएं हैं, और इसमें जो खर्चा लगेगा लगभग $45 बिलियन लगेगा, अमेरिका पे लगभग $8 ट्रिलियन का डेब्ट है, उधार है, तो इतना खर्चा अमेरिका नहीं कर सकता। तो मैक्सिको के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने अमेरिका जाने से भी मना कर दिया, क्योंकि वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच दीवार बनेगी। मैक्सिको में बहुत सारे ड्रग के गैंग हैं, जैसे सिनालुआ कार्टेल, तिजुआना कार्टेल एक्सेट्रा, ये ड्रग्स यहाँ से अमेरिका में जाते हैं, बहुत काफ़ी पोरस बॉर्डर है। अभी अभी इनमें से कौन सा राज्य है जिसने कोल्ड ड्रिंक्स बेचने से मना कर दिया, कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार करेगी ये राज्य 1 मार्च से, जैसे पेप्सी और कोका कोला। ये जो महिला है इस पिक्चर में, ये पेप्सिको कंपनी की ग्लोबल सीईओ है, इनका नाम है इंदिरा नुई, याद रखिए इंदिरा नुई इनका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ। और इनमें से कौन सा भारतीय स्टेट है जो कोल्ड ड्रिंक्स को बैन कर रहा है 1 मार्च से, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ये आएगा कि तमिलनाडु में कौन सा खेल बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो आंसर है जलीकट्टू। लेकिन जलीकट्टू को आर्टिकल 213 लगाकर दोबारा एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास करके दोबारा शुरू कर दिया गया है, यानी जलीकट्टू पर सरकार ने जो स्टेट सब्जेक्ट है उसका फायदा उठाकर इसको बैन को हटा दिया एक तरह से, और जलीकट्टू फिर से खेला जाएगा, आर्टिकल 213 लगाया गया है। दूसरी बात, तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी जयललिता, उनका निधन हो गया था, उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने ओ पनीर सेल्वम, ये भी याद रखना है। और इनकी पार्टी का नाम है AIADMK, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कझागम। और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कझागम की जो जनरल सेक्रेटरी बनी है वो बनी है शशि कला। तो ये सारे सवाल तमिलनाडु से पूछे जा सकते हैं। हमारा जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा है, ध्यान से सुनिए सवाल को, विमुद्रीकरण के बाद बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, काफ़ी सारे सख्त कानून बनाए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। उनमें से एक ये था कि 24,000 रुपये से ज़्यादा जो ये विड्रॉल लिमिट है, लेकिन अब क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप जानते ही हैं, यूपी में हो रहे हैं, बहुत सारी जगह पर हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर पैसा कम निकलेगा तो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो अपने चुनावी कैंपेन के लिए खर्चा कैसे करेंगी, इसीलिए 24,000 की रकम से बढ़ा के जो विड्रॉल लिमिट है वो कितनी कर देनी चाहिए, ये सजेशन, ये रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो जो ये लिमिट इन्होंने रखी है, ये रखी है 2 लाख रुपये की, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें 2 लाख रुपया विड्रॉल लिमिट इनकी 24,000 से बढ़ा देनी चाहिए। US एम्बेसडर टू UN कौन बना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अनाउंस पहले ही हो गया था लेकिन बनी अभी अभी है, और इनका नाम है निक्की हेले। ये अमेरिका की राजदूत होंगी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और यूनाइटेड नेशन के जो नए सेक्रेटरी जनरल बने थे वो बने थे एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे। और जो निक्की हेले हैं ये साउथ कैरोलिना की गवर्नर हैं, साउथ कैरोलिना अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें बना दिया है UN का एम्बेसडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेडी। इनमें से कौन सा राज्य है जो पॉलीथीन बैन बंद कर रहा है 1 मई से, इस राज्य में पॉलीथीन बैन हो जाएगा, पॉलीथीन आप यूज नहीं कर पाएंगे 1 मई के बाद, यह निर्णय लिया मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक बात और याद रखिए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो ये कि मध्य प्रदेश ने एक मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाया है, यानी एक ऐसा डिपार्टमेंट मंत्रालय बनाया है जो लोगों की खुशी यानी हैप्पीनेस के लिए काम करेगा। इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है, देखिए इंटरनेशनल कस्टम डे का मतलब यह है कि जो हमारे कस्टम ऑफिशियल हैं, एजेंसी हैं, जो हमारी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, उनकी जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसे सराहने के लिए मनाते हैं हम हर साल 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे वाले दिन। तो आंसर है 26 जनवरी। और इस बार जब 26 जनवरी के दिन जो परेड हुई उसमें पहली बार हिस्सा लिया NSG ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने पहली बार हिस्सा लिया।
अलेक्जेंडर कडाकिन ये भारत में राजदूत थे एक देश के, इनका अभी अभी निधन हो गया। तो एक क्वेश्चन है ओबिचुअरी से, कौन से देश के भारत में राजदूत थे, अलेक्जेंडर कडाकिन का निधन हो गया। ये देश है रशिया, रशिया की राजधानी है मॉस्को, और रशिया जो है ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च फॉलो करता है। यहाँ क्रिश्चियन कंट्री है, वैसे ये कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिज्म फॉलो करता है, कम्युनिस्ट सरकार है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की करेंसी है रूबल। इनमें से कौन से शहर की पुलिस है भारत में जिसने एक जो निगरानी रखने के लिए इनकी जो पुलिस होती है उनकी मदद करने के लिए एक ऐप लॉन्च करा है, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है बीट मार्शल मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप। मैं रिपीट करता हूँ नाम, बीट मार्शल मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप। कौन से राज्य की पुलिस, कौन से शहर की पुलिस ने लॉन्च करा है भारत के अंदर, ये लॉन्च करा है पुणे शहर की पुलिस ने। इनमें से कौन सा देश है जहां पे जो दृष्टिहीन लोग हैं, विजुअली इंपेयर्ड, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 T20 खेला जाएगा, कौन सा देश इसे आयोजित करेगा। ये जनवरी 29 से फरवरी 12, यानी आज ही शुरू हुआ है, ये कल शुरू हुआ है, 29 जनवरी से 12 फरवरी तक ये खेला जाएगा भारत के अंदर। दैट्स राइट, भारत के अंदर खेला जाएगा, और इसमें बहुत सारी टीम है जो पार्टिसिपेट करेंगी। एक बात और याद रखिए, इस वर्ल्ड कप के, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल द्रविड़, ये मत भूलिएगा। अभी अभी एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ प्रोग्राम जीवन रेखा जिसका नाम है, ये शुरू हुआ। ये जो सज्जन है ये है पिनारई विजयन, पिनारई विजयन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM यानी वामपंथी लेफ्ट के लीडर हैं और केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो आंसर है केरल। केरल ने जीवन रेखा नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें सरकार हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन का एक डेटाबेस बनाएगी जिससे हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो इस राज्य के नागरिकों को दी जा सकेगी। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च करा है चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड, यानी इस राज्य में अगर कोई व्यक्ति, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जिला मतलब, वो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने में सरकार की मदद करता है तो उसे चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड दिया जाएगा। ये निर्णय लिया असम की सरकार ने। असम में इसकी राजधानी है दिसपुर, और यहां पर इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। यहां के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनमें से डिजी धन मेला जो असम में हुआ, इसकी नींव किसने रखी। डिजी धन मेला बहुत सारे राज्यों में हुआ है और इसकी जो नींव है वो रखी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इनमें से हाईएस्ट पीस टाइम गैरंटी रिकॉग्निशन, ध्यान से सुनिए सवाल को, जो 68वां रिपब्लिक डे अभी अभी मनाया गया, 68वां गणतंत्र दिवस, उसके दिन अशोक चक्र किसे मिला, अशोक चक्र किसे मिला, और यह भारत का सर्वोच्च बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पीस टाइम, यानी जब कोई वॉर नहीं होता। देखिए जो बहादुरी के लिए अवार्ड दिए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जिस वक्त वॉर चल रहा होता है तो परमवीर चक्र और वीर चक्र उस वक्त दिए जाते हैं, लेकिन जब शांति होती है यानी जब कोई कंट्री वॉर में नहीं होता उस वक्त के लिए सबसे बड़ा बहादुरी का पुरस्कार है अशोक चक्र। और 1999 के कारगिल युद्ध के बाद हमारा कोई युद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए परमवीर चक्र 1999 में जब मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा को, उसके बाद किसी को भी अब तक नहीं दिया गया है पिछले 18 सालों के अंदर। तो अशोक चक्र जो मिला है अभी अभी वो मिला है हंगपन दादा जी को, हमारे शहीद हंगपन दादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अवार्ड क्योंकि अब ये तो नहीं रहे, इन्हें मृत्योपरांत यानी पोस्थ्यूमस अवार्ड दिया गया, इनकी पत्नी चाजेन लोमंग दादा ने ये अवार्ड जीता। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, हंगपन दादा कौन से राज्य के हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख के बताइए हंगपन दादा कौन से राज्य के हैं। और हमारा जो पीस टाइम यानी शांति के वक्त दूसरा सबसे बहादुरी का पुरस्कार है उसे बोलते हैं कीर्ति चक्र, तो कीर्ति चक्र किसे दिया गया, कीर्ति चक्र मिला मेजर रोहित सूरी को, मेजर रोहित सूरी। और रक्षा मंत्री पदक अभी अभी दिया गया 10 महिला एनसीसी कैडेट्स को, लड़कियों को, और एक गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर को। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एकता और अनुशासन है इनका मोटो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एनसीसी। तो एनसीसी का के कैडेट्स 10 और एक लड़कियां, एक 10 लड़कियां और एक लड़की कैडेट इंस्ट्रक्टर को मिला रक्षा मंत्री पदक, क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर डाली। अब ये बताइए कि ये इन्हें किसने दिया, ये अवार्ड इन्हें दिया हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने, जो पहले गोवा के मुख्यमंत्री भी थे और गोवा में अब चुनाव होने वाले हैं, गोवा के अभी मुख्यमंत्री हैं लक्ष्मीकांत पारसेकर। माउंट एवरेस्ट इसके अलावा इंपॉर्टेंट लोगों ने चढ़ा है, दो बार चढ़ा है अरुणिमा सिन्हा ने, ये नाम भी याद रखना है। अरुणिमा सिन्हा अभी अभी न्यूज में आई क्योंकि NDMC ने इन्हें दिल्ली का स्वच्छता के लिए एम्बेसडर बनाया है, इनके साथ दीपा मलिक को भी बनाया है जिन्होंने शॉटपुट में पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। लाल चुंग नुंगा, लाल चुंग नुंगा ये जर्मनी का
जो टॉप फुटबॉल लीग है जिसे बुंडेस लीगा बोलते हैं, जिसमें बायर्न म्यूनिख, हैनोवर, स्टुटगार्ट और बड़ी बड़ी टीमें खेलती हैं, उसमें अब भारत के लाल चुंग नुंगा भी खेलेंगे। ये कौन से राज्य के हैं? लाल चुंग नुंगा कौन से राज्य के हैं? तो ये सिर्फ 15 साल के हैं और इनका चयन हो गया इतनी बड़ी जर्मनी की फुटबॉल लीग में। तो ये हैं मिजोरम के प्लेयर, मिजोरम जो कि हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है और इसकी राजधानी है आइजवाल। वो कौन सी ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट है जिसने अभी अभी भारत की पहली लग्जरी ट्रैवल मैगजीन लॉन्च करी है, जिसका नाम है लग्जरी ट्रैवल टाइम। लग्जरी ट्रैवल होता है जब आप काफ़ी पैसा खर्चते हैं बड़े बड़े होटलों में, बड़ी महंगी ट्रेन्स में या फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, तो उसको बोलते हैं लग्जरी ट्रैवल। तो लग्जरी ट्रैवल टाइम नाम की भारत की पहली लग्जरी ट्रैवल मैगजीन स्टार्ट करने वाली कंपनी का नाम है makemytrip.com। मैरी टाइलर मूर का अभी अभी निधन हो गया, ये एमी अवार्ड जीतने वाली बहुत ही प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी। कौन से देश की थी? मैरी टाइलर मूर, इनका देश था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इनका एक टीवी पे शो भी आता था जिसका नाम था मैरी टाइलर मूर शो। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक बहुत ही ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी है जिसका नाम है अबाबील? अबाबील, इसकी मार गिराने की क्षमता है 2200 किलोमीटर और ये एक सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह तक जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस देश का प्रशिक्षण किया है, सक्सेसफुल लॉन्च किया है पाकिस्तान ने, जी हाँ। और दूसरी बात, ये बहुत ही ताकतवर है और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। रोनी ओ सलीवन, जिन्होंने अभी रिकॉर्ड बनाया, 7वीं बार डफाबेट मास्टर टाइटल जीता है, कौन से देश के हैं रोनी ओ सलीवन? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर, वही खेल जो भारत के पंकज अडवाणी खेलते हैं। पंकज अडवाणी का नाम आप कभी मत भूलिए, स्नूकर और बिलियर्ड्स के अंदर 16 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। और इन्होंने अभी अभी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं विजय गोयल, उन्हें ट्वीट भी किया था, इन्होंने कहा कि पद्म भूषण मुझे क्यों नहीं दिया गया, मैंने इतना कुछ अचीव किया है, मुझे पद्म भूषण मिलना चाहिए था, ये कहा खुद पंकज अडवाणी ने अपने मुंह से। इतना ही नहीं, जो 14 बार हमारी बैडमिंटन में नेशनल चैंपियन है ज्वाला गट्टा, उन्होंने भी कहा कि इन्हें पद्म भूषण मिलना चाहिए था। तो ये एक नई चीज़ है कि कुछ खिलाड़ी खुद जो सम्मान है वो मांगते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ सम्मान मिलता भी है तो उसे छोड़ देते हैं। खैर, 7वां डफाबैट मास्टर टाइटल रोनी सलीवन ने जीता और ये हैं यूनाइटेड किंगडम के। यूनाइटेड किंगडम किसे बोलते हैं? अगर आप स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला दें और साथ में नॉर्थ आयरलैंड को भी मिला दें तो इसे मिला के बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को बोलते हैं ब्रिटेन मिलाकर। इनमें से कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला हुगो सावेज प्राइज जीता पीस एंड सॉवरेनिटी ऑफ वेनेजुएला के लिए? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, बहुत बुरी हालत है इस देश की, इन्फ्लेशन है यहाँ पे लगभग 1600% की, इस देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर चुकी है क्योंकि यहाँ तेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन तेल के दाम पिछले 3 सालों में बहुत धराशायी हो गए हैं, इसीलिए वेनेजुएला संकट में है और इसकी राजधानी है काराकास। वेनेजुएला में जो पूर्व हेड ऑफ स्टेट थे हुगो सावेज, अब तो नहीं रहे लेकिन ये बहुत वहाँ के पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, तो आपको ये बताना है हुगो सावेज के नाम पे जो अवार्ड है जो शांति के लिए दिया जाता है वो किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला व्लादिमीर पुतिन को, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी लॉन्च करा है एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है किरामेकी 2, किरामेकी द्वितीय, इसको लॉन्च करा, और ये जो मिसाइल है, ये सैटेलाइट है, इसे लेके जो रॉकेट उड़ेगा उसका नाम है H2A कैरियर नाम का रॉकेट, और ये लॉन्च करा जाक्सा ने। जैसे भारत की इसरो है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका की नासा है, उसी तरह से जापान की है जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो आंसर है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है जहाँ पे 2020 के ओलंपिक खेल होंगे, और जापान की मुद्रा है येन। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो आबे। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड्डयन के क्षेत्र में। तो याद रखिए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब बड़ी बड़ी कंपनियां चैरिटी करती हैं, डोनेशन देती हैं, अपना समाज में जो उनका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मानती हैं, उसे बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन से भारतीय एयरपोर्ट को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड? तो इस एयरपोर्ट का नाम है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DIAL, डायल, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरे भारत में एक स्कीम स्टार्ट करी है लड़कियों के फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए जिसका नाम है खेलेगी तो खिलेगी?
कहने का मतलब अगर आप खेलोगे तो आप तरक्की करोगे, खिलोगे, खेलेगी तो खिलेगी नाम का ये जो पूरे भारत में एक स्कीम स्टार्ट करी है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करी है? सो ये करी है नर्चरिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नेस्ट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं घोंसला, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, तो नर्चरिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स ट्रस्ट। इनमें से कौन सी कमेटी है? ये चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी है जिसने अभी अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है डिजिटल पेमेंट के ऊपर, यानी कि भारत में जो कैशलेस भारत को कैसे बनाया जाए, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कैसे किया जाए, उसके लिए कमेटी का गठन हुआ था, जिसके हेड बने थे चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तेलुगु देशम पार्टी के। तो चंद्रबाबू नायडू कमेटी ने ये रिपोर्ट अभी अभी सबमिट की है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए कि चंद्रबाबू नायडू कमेटी के रिकमेंडेशन क्या हैं। तो इस कमेटी ने कुछ चीज़ें कही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं डिजिटली तो आपको कुछ ना कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को ख़त्म कर देना चाहिए, और इसके अलावा 1,000 रुपये की सब्सिडी मिलनी चाहिए अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन खरीदें और डिजिटल ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेकमेंड की हैं चंद्रबाबू नायडू कमेटी ने। नेशनल वोटर्स डे जो अभी अभी मनाया गया 2017 का, उसका थीम क्या था? नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर डे, ये हमारा 7वां नेशनल वोटर डे मनाया था, जिससे हम जागरूकता फैला सकें वोटिंग प्रोसेस के बारे में और जितने भी लोग हैं उनको बोल सकें कि आप वोट डालिए। इस बार इसका थीम था एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर इवेंट्स। और आप ये भी सोच रहे होंगे नेशनल वोटर डे किस दिन होता है, तो ये होता है 25 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 25 जनवरी को बना था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 25 जनवरी 1950 को बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो पहला राज्य बना जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को अपनाया है, जिससे जो वोट है वो डाले जा सकें डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ पोस्टल बैलेट टू सर्विस वोटर्स। अब आप जो वोट हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली कर पाएंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ पोस्टल बैलेट को अपनाया गया है इस राज्य द्वारा, और ये पहला राज्य बना ऐसा करने वाला, ये है गोवा। इसमें इसका मतलब ये है कि जो पोस्टल बैलेट हैं उनको सर्विस वोटर को ट्रांसमिट किया जाएगा इलेक्ट्रिकली, और इससे जो सर्विस वोटर हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे और इसे सेंड कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, यानी आप ईमेल के द्वारा पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। नेशनल टूरिज्म डे, ये हम इंडिया में कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 तारीख को, और ये जो हमारी कंट्री है उसमें जो इकोनॉमी के अंदर टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट एक योगदान है उसको एक्नॉलेज करने के लिए मनाया जाता है, तो अगेन नेशनल टूरिज्म डे भी होता है 25 जनवरी को। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ प्रोजेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने कौन से राज्य में लॉन्च किया है, और इसमें जो 12 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं इस राज्य की कैपिटल में, उनमें सुधार किए जाएंगे? सो ये किया है केरला के अंदर, और ये 12 इंस्टीट्यूशंस जो अपग्रेड किए जाएंगे ये हैं केरल में तिरुवनंतपुरम के अंदर, और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाएगा जिसको शॉर्ट में नाम रखा है HER, हर। इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने अपनी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट के ऊपर रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को? इस कमेटी का काम यह था कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम किया जाए और बजट मैनेजमेंट किस तरह किया जाए, और इस पर इसने अपनी रिपोर्ट अभी अभी सबमिट की है। सो ये काम किया है एन के सिंह कमेटी, और इन्होंने ये रिपोर्ट दी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया, इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम वही था जो गर्ल चाइल्ड के लिए चला आ रहा है, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हमने मनाया 24 जनवरी को, ये भी याद रखना है, 24 जनवरी को हमने मनाया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सो आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके लिए एक स्पेशल फंक्शन भी अरेंज किया गया नई दिल्ली के अंदर, और जिसमें कई तरह की लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स हुए, ड्रामा हुए, जिससे इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, और ये दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? ये हैं पुराने IAS और ये महाराष्ट्र कैडर के IAS है 99 बैच के, इनका नाम है अंशु सिन्हा। इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी खादी जो
उसको प्रमोट करने की, और अभी अभी आपने देखा होगा कि खादी में किस तरह से नरेंद्र मोदी ने काफी बड़ी भूमिका प्ले की है। ये एक बात और याद रखनी है, जो KVIC है यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है और इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1995 के तहत एस्टेब्लिश किया गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आप जानते हैं शुरू हुआ, 19 तारीख से स्टार्ट हो गया था जयपुर के अंदर, और इसका इनॉग्रेशन किया था सदगुरु जग्गी वासुदेव, वसुंधरा राजे सिंधिया और गुलजार साहब ने। तो इसका थीम क्या था, यह हमारे कंट्री का सबसे प्रतिष्ठित लिटरेचर फेस्टिवल होता है, सबसे बड़ा होता है, बहुत सारे देशी ही नहीं बल्कि विदेशी जो लेखक हैं कवि हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार इसका थीम था फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70, फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70। इनमें से किस खिलाड़ी ने मलेशियन मास्टर्स ग्रांड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? मलेशियन मास्टर्स ग्रांड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये खिलाड़ी थोड़े समय से इनको लगी थी चोटिल चल रही थी, उतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने इस साल की शानदार शुरुआत की है। इनका नाम है साइना नेहवाल, साइना नेहवाल ने जीता है मलेशियन मास्टर्स ग्रांड प्री। और ये सवाल का खैर मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन एक बार पूछ लेता हूं आपसे कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब मनाते हैं इंडिया में? तो ये हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को, जिससे गर्ल चाइल्ड के बारे में हम अवेयरनेस फैला सकें। जसवंत राय शर्मा, इनका अभी अभी निधन हो गया, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि थे, कौन सी भाषा के ये कवि थे, 89 ईयर्स के थे ये, और ये इनका निधन हुआ मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ये थे उर्दू भाषा के मशहूर कवि, और इन्होंने कई अपनी इनका एक उपनाम भी था, ये इनको हम नक्श लयलपुरी के नाम से भी जानते थे, नक्श लयलपुरी। इन्होंने कई गाने लिखे हैं, जैसे मैं तो हर मोड़ पर, ना जाने क्या हुआ, जो तूने छू लिया, उल्फत ना उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराया, इस तरह के कई फेमस गाने इन्होंने लिखे थे। इनमें से कौन सा स्टेडियम है जो पहला भारत का स्टेडियम बनेगा, जिसमें जो बैठने के स्टैंड्स होंगे, जहां पे लोग बैठते हैं, उनका नाम हमारे शहीदों के नाम पर, हमारे वॉर हीरोज के नाम पर रखा जाएगा? ये ऐसा करने वाला ये पहला स्टेडियम बनेगा, और ये स्टेडियम है ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। और जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है उसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि इस स्टेडियम के अंदर दो स्टैंड्स ऐसे होंगे जिनका नाम रखा जाएगा हमारे शहीदों के ऊपर। इनमें से कौन सा मीडिया हाउस है जिसने अभी अभी भारत का पहला स्टैक बेस्ड रिव्यू साइट लॉन्च करा है गैजेट्स के लिए? गैजेट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन है, आप कोई कुछ भी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो ये सारे गैजेट्स होते हैं, और इन गैजेट्स को रिव्यू किया जाएगा, यानी गैजेट अच्छे हैं बुरे हैं इनको रेटिंग दी जाएगी। और इसका इन्होंने वेबसाइट का नाम रखा है techhook.com। techhook.com किसने, मीडिया हाउस ने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है इंडियन एक्सप्रेस ने, इंडियन एक्सप्रेस। अगला सवाल है कि एक किताब है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन साइन लैंग्वेजेस, ये अभी अभी चर्चा में आई, और ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि हमारी जो केंद्र सरकार है वो एक ऐसी डिक्शनरी बनाना चाहती है जिसमें साइन लैंग्वेजेस हों, यानी जो भाषा का जब हम चिन्ह या सिंबल बना के यूज करते हैं वो, और इसके लिए इस किताब की मदद ली जा रही है। 1980 में छपी थी ये किताब, इसको किसने लिखा है, इस किताब को लिखा है, किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन साइन लैंग्वेजेस, और इसको लिखा है मदन वशिष्ठ ने, तो ये किताब न्यूज में आई इसलिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है जैसे डायबिटीज, अगर मुझे डायबिटीज है और आप मेरे नजदीक आते हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, यानी एक डिजीज जो दूसरे तक नहीं फैलता उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो 5 ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिनको खत्म करने के लिए या जिनको कंट्रोल करने के लिए हमारा हेल्थ मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री एक बहुत बड़े लेवल पे उनका कंट्रोल प्रोग्राम चलाएगा फरवरी के अंदर। तो इनमें से कौन सा वो नहीं है, हाइपरटेंशन यानी बीपी, जब बीपी बढ़ जाता है उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज यानी शुगर, कैंसर, अल्जाइमर, तो अल्जाइमर डिजीज उनमें से नहीं है, इसके लिए कंट्रोल प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा। तो 5 डिजीजेस के लिए चलाया जाएगा, और 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगे जिसमें, और ये 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भारत में 60% जो डेथ है वो इनसे होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 तो मैंने बता दिए, 2 और मैं आपको बता देता हूं जो मैंने मिस कर दिए। तो एक इनमें से है ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर में 2 हैं, एक 3 कैंसर हैं, एक तो है जो मुंह के कैंसर होते हैं जो सिगरेट या तंबाकू चबाने से होते हैं, तो कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, दूसरे हैं कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर की जो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और तीसरा है सर्विक्स, ये भी महिलाओं के अंदर होता है कैंसर ऑफ द सर्विक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेशियन मास्टर्स ग्रांड प्री जो सरावाक में हुई, इसको किसने जीता? तो मैंने बताया था सैना नेहवाल,
एक और चीज याद रखनी है, अभी अभी सैयद मोदी टूर्नामेंट हुआ, वो जीता है पीवी सिंधु ने, तो ये आपको याद रखना है, सैयद मोदी टूर्नामेंट जीता है पीवी सिंधु ने। और ये अगला सवाल बिल्कुल मिलता जुलता है कि जो मलेशियन मास्टर ग्रैंड प्री मेन, वो किसने जीता? तो फीमेल में तो ये सायना नेहवाल ने जीता, और मेन में ये जीता आंगस एनजी का लॉन्ग ने, आंगस एनजी का लॉन्ग। इनमें से कौन सा देश है जो इंडियन रेलवेज की मदद करेगा? इंडियन रेलवेज की जो स्पीड है वो बहुत कम है, हमारी जो ट्रेन्स हैं उनमें जो स्पीड है वो बहुत ही कम है। हमारी इनफैक्ट जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम ये देश हमारी जो ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हमारी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा, और ये है हमारा दोस्त रशिया, रशिया करेगा हमारी इसमें मदद। अगला सवाल, इनमें से जो वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मिट है वो कहां पे होगा? 12 फरवरी से 14 फरवरी, 3 दिवसीय सम्मिट है, तो ये होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यानी दुबई के अंदर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बात और याद रख सकते हैं आप कि इसमें जो रिसर्च है उस पर ध्यान दिया जाएगा, और 7 वर्ल्ड की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF एटसेट्रा। इनमें से कौन से बैंक के साथ क्वालिटी लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है, ये फार्मर्स की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, इसके लिए क्वालिटी लिमिटेड ने कौन से बैंक के साथ करार किया है? ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसमें 4,000 करोड़ रुपए का लोन 1,00,000 किसानों को दिया जाएगा। तिरुचि शंकरन, इनको TCM लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ये एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन है, तो आपको बताना है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। इनको मिला है TCM लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं उसको बोलते हैं मृदंगम, मृदंगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें जो 23 टैबलो यानी कि 23 ऐसी टैबलो को हिंदी में कहते हैं, जैसे गोवा, गोवा का जो टैबलो होता है यानी उसमें गोवा की झांकी दिखाई जाएगी, तो 23 ऐसी झांकी थी, तो इनमें से कितनी झांकियां 23 में से सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की थी? तो ये काफी डीप क्वेश्चन है। रिपब्लिक डे पर जितनी भी झांकियां दिखाई गई, टोटल इस रिपब्लिक डे पर कितनी झांकी दिखाई गई? 23। इनमें से 17 तो थी राज्यों की और 6 थी केंद्र मंत्रालयों की, तो ये आपको याद रखना है। जैसे जो टोटल 23 थी उनमें जैसे स्किल डेवलपमेंट पे थी, खादी के ऊपर थी, अगर आपने परेड देखी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर थी, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के ऊपर थी, तो टोटल 6 थी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की और 17 थी राज्यों की। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हमने धूमधाम से मनाया, तो आपको यह बताना है कि यह इनका कौन सा जन्मदिन था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह था 120वां जन्मदिन। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ सर चार्ल्स गार्डनर हॉस्पिटल के साइंटिस्ट ने एक कोलैबोरेशन किया है, अनुबंध किया है, दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक स्मार्ट नीडल बना रहे हैं, और ये जो स्मार्ट सुई होगी इससे जो ब्रेन की सर्जरी है वो काफी सुरक्षित हो पाएगी। तो जो सर चार्ल्स गार्डनर हॉस्पिटल है, इसके साइंटिस्ट या इसके डॉक्टर्स कौन से हॉस्पिटल के साथ, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये बना रहे हैं? इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण के लिए जो हमारा मंत्रालय है, उसने प्लान किया है कि वो नोटिफाई करेगा रिवाइज्ड रूल यानी राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी जो दिव्यांग हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए जो नए रूल बनेंगे उसके लिए ये कब नोटिफाई करेगा। और राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट हमने एक अलग वीडियो में डिटेल में कवर किया हुआ है, और BR अंबेडकर जी का जो जन्मदिन होता है वो होता है 14 अप्रैल को, इसीलिए इन्होंने डेट रखी है 14 अप्रैल। एक रिसेंट रिपोर्ट जो रिलीज करी है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके हिसाब से कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा पुलिस कर्मी चोटिल हुए, इंजरीज हो गई सबसे ज्यादा पुलिस वालों को ड्यूटी के वक्त? और ये राज्य है वेस्ट बंगाल, यहां पे 1623 पुलिस के लोग हैं, पुलिस कर्मी हैं जिन्हें चोट हुई, ये आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पे था केरला, केरला वॉज सेकेंड। PPMO ये एक मॉलिक्यूल है
जो रिलीज किया है ओरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने, जो एक ऐसा ये मॉलिक्यूल है जो एक एंजाइम को रोकता है जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनाता है पेनिसिलिन से, तो इस एंजाइम का नाम बताइए। मैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देता हूं, लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है उसको मारती है एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, लेकिन बैक्टीरिया कुछ ऐसे केमिकल बना लेते हैं जिससे ये रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी जो एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं वो काम नहीं कर पाती। तो इसके लिए एक एंजाइम ये सिक्रेट करते हैं बैक्टीरिया, और ये जो मॉलिक्यूल बनाया है साइंटिस्ट ने, ये इस एंजाइम को खत्म करेगा जिससे जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया को खत्म कर सके। तो इस एंजाइम का नाम आपसे पूछा है, इस एंजाइम का नाम है NDM1। इनमें से कितना अमाउंट है, बाय व्हाट अमाउंट कुड द टैरिफ फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी इंक्रीज इफ रिन्यूएबल एनर्जी इज टैक्स्ड एट जीरो रेट टैक्स अंडर GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत। अगर जैविक ऊर्जा पर जीरो रेट टैक्स लगेगा तो जो सौर ऊर्जा है और विंड से मिलने वाली ऊर्जा है उस पे जो टैरिफ है, जो टैक्स है, वो कितना इंक्रीज हो सकता है, तो ये आपको बताना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रेकमेंड किया है कि जो जैविक ऊर्जा है उस पे एक जीरो रेट टैक्स स्टेटस होना चाहिए GST के अंदर, यानी उस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो आंसर है 0.5 रुपीज। इनमें से कौन सा इंडियन बैंक है जिसने अभी अभी कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी काम करती है NFC पे, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, NFC टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं ये क्रेडिट कार्ड, और भारत में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। तो अभी अभी ये लॉन्च किए हैं पंजाब नेशनल बैंक ने, और पंजाब नेशनल बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं उनका नाम है उषा अनंत सुब्रमण्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उषा अनंत सुब्रमण्यम। और जो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड की क्या खास बात है, अगर आप 2000 रुपये तक कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, एक तो आपको कोई पिन यूज नहीं करना पड़ेगा, ये RBI के एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। दूसरा, कॉन्टैक्टलेस के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, आप मशीन के पास इसे ले जाइए और सारी डिटेल ही अपने आप ले लेता है NFC टेक्नोलॉजी से। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूं कि अगर 2000 रुपये तक आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो पिन डालने की आपको जरूरत नहीं है, यानी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। इनमें से कितना पैसा है जो भारतीय रेलवेज ने एलोकेट किया है रेलवेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट फंड के लिए? ये एक कोष है, ये एक फंड है जो रेलवेज ने तैयार किया है, इसमें कितना धन रखा जाएगा? सो इसमें जो धन रखा जाएगा वो रखा जाएगा $5 बिलियन। $5 बिलियन लगभग होता है, आप इसे कह सकते हैं 32,000 करोड़ रुपए, और इसमें 80% पैसा कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, और 20% पैसा देगा इंडियन रेलवेज। तो ये आपको याद रखना है, और ये फंड 2018 तक तैयार हो जाएगा, इसमें 80% पैसा वर्ल्ड बैंक देगा। तो आपको बताना है वो इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है जिसके अगेंस्ट एप्पल ने लगभग $1 बिलियन, यानी लगभग 6700 करोड़, 7000 करोड़ कह सकते हैं आप राउंड अप करके, 7000 करोड़ रुपए का केस किया है अमरीकी सरकार को, और इन्होंने कहा है कि ये जो कंपनी है ये कुछ एंटी कॉम्पिटेटिव टैक्टिक्स अपना रही है, यानी कानूनों का उल्लंघन कर रही है जिससे इसका एकाधिकार हो जाए, मोनोपोली हो जाए। इसलिए एप्पल ने इस कंपनी पर केस कर दिया है 7000 करोड़ रुपए का अमेरिका के अंदर। और ये कंपनी एप्पल और सैमसंग दोनों को इलेक्ट्रॉनिक चिप्स प्रोवाइड करती है, और बहुत बड़ी कंपनी है, इसका नाम है क्वालकॉम इंक। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इनमें से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अभी अभी जो थर्ड ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट हुई, देखिए ज्यादातर राज्य चाहते हैं कि वहां पे बिजनेसमैन आए और पैसा लगाएं। अभी अभी जैसे झारखंड के अंदर हुआ मोमेंटम झारखंड, आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी के एड टीवी पे देखे होंगे जहां वो लोगों को कह रहे हैं कि आप आइए और झारखंड में पैसा लगाइए, तो मोमेंटम झारखंड नाम का समिट भी हुआ था, और थर्ड ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट अभी अभी खत्म हुआ है। तो तीसरा बंगाल बिजनेस समिट में बंगाल ने कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, टोटल जो पैसा अट्रैक्ट किया है वो है 2.35 लाख करोड़। 2.35 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अट्रैक्ट किए हैं बंगाल ने, और एक बात और याद रखनी है, इसमें से 27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये भी आपको याद करना है। और इनमें से कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके खिलाफ, जिसकी ताजपोशी के खिलाफ अमरीकी महिलाओं ने एक प्रदर्शनी की? तो ये 21 तारीख को अमरीका के राष्ट्रपति बने हैं, उनके खिलाफ ये प्रदर्शनी हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत जगह प्रदर्शन किए गए, बहुत सारे लोग इनके चयन से खुश नहीं हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है?
जिससे वो 3D की जो चीज़ें हैं उनमें इनोवेशन कर सके, नई तकनीक अपना सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी को खरीद लिया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो भारतीय हैं, हैदराबाद के सत्य नडेला, ये भी आपको याद रखना है। और इस कंपनी का नाम है सिंपली गॉन। और ये कहां की कंपनी है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये स्वीडन की कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी, तो आपको बताना है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारत के किस शहर में हुई। ये हुई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और अगर आपको पता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है तो ये है देहरादून के अंदर। जब भी कोई स्टूडेंट एनडीए से पास आउट होता है या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बाद एसएसबी क्लियर करके जाता है तो वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाता है, और आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो एनडीए के बाद आईएमए के अंदर होती है। आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी, उसमें भी इसकी शूटिंग हुई है आईएमए देहरादून। सो आंसर है देहरादून। 21 जनवरी को कितने लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम गाया और ये एक नया रिकॉर्ड बना है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 2.5 लाख लोगों ने एक साथ नेशनल एंथम गाया था बांग्लादेश के अंदर, और अभी नया रिकॉर्ड जो बना है वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, कितने लोगों ने राष्ट्रगान गाया है इस किसी भी देश का, तो ये गाया 3.5 लाख लोगों ने, और ये भारत का राष्ट्रगान गाया। जगह का नाम जहां पे गाया वो है कगवाड़, और ये है गुजरात में राजकोट के अंदर, तो ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले रिकॉर्ड था बांग्लादेश का। इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको इलेक्शन कमीशन ने अभी अभी फटकार लगाई क्योंकि इन्होंने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट किया, कानूनों का उल्लंघन किया, तो इसके लिए कौन सी पार्टी को डांटा इलेक्शन कमीशन ने। सो ये डांट पड़ी आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी को इसीलिए डांट पड़ी क्योंकि केजरीवाल हैड आस्क द वोटर्स टू टेक मनी इफ ऑफर्ड बाय द कांग्रेस एंड द बीजेपी। यानी केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वोटर्स को कि अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर आपको रिश्वत देती हैं तो आप रिश्वत ले लो, लेकिन वोट मत करना, वोट आम आदमी पार्टी को ही करना। तो इस तरह के जो बयान है ये इन्होंने वैसे गोवा में दिए थे, लेकिन दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह के बयान ये दे रहे हैं, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को डांट लगाई। इनमें से किसे हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का हेड चुन लिया गया है 4 साल के लिए, तो लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन हुई थी, ये बिल्कुल खाली है, अब इनको हटा दिया गया क्योंकि ये डेडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को फॉलो नहीं कर रहे थे। इनका नाम है अनुराग ठाकुर, ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। और एक बात और याद रखिए, अभी मैं आपको कल रात की लेटेस्ट न्यूज बताता हूं, हालांकि मैं इसे अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा। 4 लोग हैं जो लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, और जो नरेंद्र मोदी सरकार है इन्होंने जो नाम दिए थे उनमें से एक भी नाम सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कई लोग हैं, जैसे एक IDFC बैंक के बैंकर हैं उन्हें लिया है, एक पूर्व फीमेल क्रिकेटर है उन्हें लिया है, लेकिन जो 2 बड़े नाम हैं वो हैं, एक तो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके विनोद राय, और दूसरे रामचंद्र गुहा जो कि इतिहासकार हैं, तो ये भी BCCI की जो हेड कमेटी है उसके अंदर आएंगे, तो ये 4 लोग अभी आएंगे। तो अनुराग ठाकुर को चुन लिया गया है हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का हेड। इनमें से कौन सा सिटी है जो सिलेक्ट किया गया है 13 सिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू होस्ट द मैचेस ऑफ द मेन यूरोपियन फुटबॉल टूर्नामेंट, यानी कि जो 13 डिफरेंट देश हैं उनके 13 सिटीज हैं जहां पे यूरोपियन फुटबॉल टूर्नामेंट के मैचेस होंगे, वहां पे इस सिटी को भी 2020 यूरो कप के लिए चुन लिया गया है, और ये है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर। 2020 का जो यूरो होगा, आप जानते हैं 2016 का यूरो जीता पुर्तगाल ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टीम के कैप्टन थे, तो 2020 में 13 देशों के अंदर 13 सिटीज हैं उनमें से एक चुन लिया गया है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया को। अगर किसी व्यक्ति को कोई मेडिकल कंडीशन है यानी कोई बीमारी है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बोस्टन के का जो बच्चों का हॉस्पिटल है उसने एक कस्टमाइजेबल सॉफ्ट रोबोटिक स्लीव बनाई है, यानी कि एक रोबोट बनाया है जो मदद कर पाएगा उन लोगों की जिनको कोई भी किसी तरह का रोग है ये वाला। तो किस तरह के रोग की बात हो रही है यहां पे, कौन सी मेडिकल कंडीशन की बात हो रही है, ये बात हो रही है हार्ट फेलियर की। उन सुमो रेसलर का नाम बताइए जो पहले जैपनीज रेसलर बने थे जिनको नाम दिया गया था योकोजुना। तो ये आपको बताना है, उनका नाम आपसे पूछा है, उनका नाम है किसेनो साटो,
और ये 30 साल के हैं, इनका वजन 178 किलोग्राम और ये 72वें योकोजुना बने और जापान के पहले वाकोना होना के बाद जिन्होंने 1998 में टाइटल जीता था. तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट जैपनीज रेसलर टू विन द टाइटल योकोजुना, दैट इज द स्पोर्ट्स ग्रैंड चैंपियन इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स. 18 साल के बाद इनको फिर से योकोजुना का टाइटल मिला है. और इससे पहले किसको मिला था? इससे पहले मिला था, मैं नाम लिख देता हूं, वाकानो हाना को, और अब मिला है किसेनो साटो को. द फाउंडेशन डे ऑफ विच कंट्री कोइंसाइड्स विद द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा देश है जिसका फाउंडेशन डे भारत के गणतंत्र दिवस के साथ आता है, यानी 26 जनवरी को यह देश अपना फाउंडेशन डे मनाता है, और यह देश है ऑस्ट्रेलिया. तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आ सकता है. और इस देश का फाउंडेशन डे होता है ऑस्ट्रेलिया में. फाउंडेशन डे का मतलब है ये जो कंट्री है ये इस दिन ढूंढा गया था. इस 1788 की बात है जब जो ब्रिटेन के जहाज हैं वो इस कंट्री में पहुंचे थे, तो इन्होंने इसका आविष्कार किया था. तो ये आपको याद रखना है. और ग्रेट ब्रिटेन का झंडा यहां पर लगाया गया था. इस दिन यहां पे यूरोपियन सेटलमेंट हुआ था, यानी यूरोप के जो लोग हैं खासकर ब्रिटिशर्स वो यहां आके बस गए थे. अभी अभी महाराष्ट्र का जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने एक डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन ये है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा गौरव दिन मनाया जाएगा, यानी मराठी भाषा के ऊपर जो ये गर्व करते हैं उसके लिए एक स्पेशल दिवस मनाया जाएगा. तो वो दिवस कौन सा होगा? ये दिवस मनाया जाएगा 27 फरवरी. और एक बात और याद रखनी है आपको, एक मैं आपको कवि का नाम बताता हूं, मराठी कवि जिनका नाम है कुसुमाग्रज. कवि का जो जन्मदिन होता है वो 27 फरवरी को होता है, तो इनको सम्मानित करने के लिए 27 फरवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि कुसुमाग्रज मराठी जो लिटरेचर है उसमें बहुत बड़े कवि हुए हैं और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका था. इनमें से कौन सा कंट्री है जो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रकाशमय लाइट सोर्स बना रही है, यानी ऐसा लाइट सोर्स बना रही है जहां से सबसे ज्यादा रोशनी निकलेगी? तो ये दुनिया में कौन सा कंट्री बना रही है और इसको नाम दिया गया है बीजिंग लाइट सोर्स. तो ये बन रहा है चाइना की राजधानी बीजिंग के अंदर, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रकाशमय लाइट सोर्स होगा. इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसने सोशल मीडिया पर अपडेट्स पोस्ट करना जिसको बैन कर दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो सोशल मीडिया पर कोई भी अपडेट नहीं कर पाएगी और रिपोर्टर से भी बात नहीं कर पाएगी? तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने बैन कर दिया है. इस एजेंसी का नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी EPA. दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क दुनिया का ये कौन से चाइना के शहर में बन रहा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है. इसकी क्षमता है 850 मेगावाट और 27 स्क्वायर किलोमीटर में यह बन रहा है, और इसका निर्माण 2013 में ही स्टार्ट हो गया था. यह आपको याद रखना है. यह बन रहा है सिंघाई में. QINGHAI. अमेरिका ने अपनी जो इजराइल एम्बेसी है, टू विच सिटी विल USA's इजराइल एम्बेसी बी शिफ्टेड फ्रॉम तेल अवीव. व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि अमेरिका की जो इजराइल के अंदर एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी, वो तेल अवीव शहर से कहां पर शिफ्ट कर दी जाएगी. और इसराइल और अमेरिका के बीच जो रिलेशन हैं वो काफी खराब चल रहे हैं, तो ये तेल अवीव से शिफ्ट कर दी जाएगी जेरूसलम के अंदर. इनमें से कौन से राज्य का एजुकेशन बोर्ड है, स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसने ये डिसाइड किया है कि विमुद्रीकरण और कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर वो क्लास 12 की जो बुक्स हैं उनमें एक चैप्टर डालेंगे इकोनॉमिक्स का. तो बच्चों को अब डिमोनिटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, ये निर्णय लिया है राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, राजस्थान. इनमें से कौन सा शहर है जो उधमपुर से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि चेनानी नासरी सुरंग बनाई जा रही है. चेनानी नसरी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है. 9.2 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, और इसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी करेंगे फरवरी में. तो यह आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है यहां पे, और इससे उधमपुर और रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है वो कश्मीर के कनेक्ट हो जाएंगे, उधमपुर और रामबन. यूबर इंडिया का हेड किसे बनाया गया है, तो यह आपको बताना है. यूबर इंडिया के जो नए हेड होंगे वो होंगे प्रदीप परमेश्वरन. कोई भी अगर बहुत बड़ी कोई कंपनी है उसका इंडिया हेड बनता है तो वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है.
CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का नया डायरेक्टर किसे बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने? तो डोनाल्ड ट्रंप का जो भी पूरा कैबिनेट है, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन हो, चाहे वो जेम्स मैटिस हो, चाहे वो जॉन कोट्स हो, चाहे वो CIA के नए डायरेक्टर हो, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CIA का डायरेक्टर किसे बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने? माइक पोम्पियो को, माइक पोम्पियो। और माइक पोम्पियो जो कैंसास रिपब्लिकन कैंसास से हैं, ये आपको याद रखना है, बस कैंसास से हैं ये। और अगला सवाल है कि इनमें से किस व्यक्ति को पहला हुगो सावेज प्राइज मिला? तो ये मैंने बता दिया, व्लादिमीर पुतिन को मिला जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये अवार्ड इन्हें दिया किसने ये आपको बताना है। हुगो सावेज प्राइज पहला शांति प्रमोट करने के लिए रशिया के राष्ट्रपति को मिला और ये अवार्ड इन्हें दिया वेनेजुएला के हेड ऑफ स्टेट ने, यानी कि निकोलास मादुरो ने, निकोलास मादुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने द शार्प स्वॉर्ड UAV, ये एक ऐसा ड्रोन है जो 2000 किलोग्राम के बॉम्ब कैरी कर सकता है, इसका नाम रखा गया है शार्प स्वॉर्ड UAV, इसको लॉन्च किया, ये लॉन्च किया शक्तिशाली चाइना ने। और अगला सवाल यह है कि गाइडेड पिनाका रॉकेट का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया भारत में, कौन से राज्य के अंदर यह परीक्षण किया गया? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट है और इसका जो सक्सेसफुल टेस्ट किया गया वो किया गया उड़ीसा से, और उड़ीसा में आप जानते हैं उड़ीसा का जो तट है वहां पे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिनको पहले विलर आइलैंड बोलते थे। और ये जो रॉकेट है इसकी जो क्षमता है वो भी बढ़ा दी गई है, 40 किलोमीटर क्षमता थी इसकी पहले, अब कर दी गई है 70 किलोमीटर, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 500 मीटर। वो फीमेल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कौन है जिनको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जिनका नाम ऐड कर दिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है पुरानी, इनका नाम ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में आ गया है और इनका नाम है बेटी विल्सन, बेटी विल्सन। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और डेविड बून, नाम ध्यान से सुनिए, डेविड बून और मैथ्यू हेडन, इन दोनों को भी ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शुमार कर लिया गया है। एक बात और मैं बता देता हूं क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो बेटी विल्सन है ये इतनी महान खिलाड़ी थी कि इनको फीमेल ब्रैडमैन बोलते थे। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ब्रैडमैन बहुत बड़े खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, तो फीमेल ब्रैडमैन बोलते थे बेटी विल्सन को। खैर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक 10 वर्षीय योजना लॉन्च करी है जिससे ये देश इंडिया से जो सब्जियां खरीदता है उन पे अपनी निर्भरता कम कर दे, आत्मनिर्भर हो जाए अगले 10 साल के अंदर अंदर? ये देश भारत से बहुत सारी सब्जियां खरीदता है और इसीलिए ये आत्मनिर्भर होना चाहता है, भारत पे डिपेंडेंट कम होना चाहता है। तो ये देश कौन सा है? ये देश है भारत का पड़ोसी नेपाल, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिस्टर दहल, पुष्प कुमार दहल बोलते हैं वैसे, इनका एक और नाम भी है, इनको बोलते हैं प्रचंड। वो क्रिकेटर कौन से हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किंग्स 11 पंजाब का? IPL की टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन से पूर्व क्रिकेटर को बनाया गया है? इनका नाम है वीरेंद्र सहवाग, जो ट्विटर पे आजकल काफी धूम मचा रहे हैं। इनमें से कितना टाइम है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सेंटर को, केंद्र सरकार को? और ये जो टाइम दिया है ये इसलिए दिया है कि जो मोबाइल फोन सब्सक्राइबर हैं, ध्यान से सुनिए इसको, जो मोबाइल फोन सब्सक्राइबर हैं अगर वो कोई सिम कार्ड खरीदते हैं तो सिम कार्ड खरीदने के वक्त आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन है वो इतने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये टाइम दिया गया है 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते। भारत में कहां पर जो भारत का डाक डिपार्टमेंट है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, उसने एक डाक टिकट लॉन्च, डाक टिकट को लॉन्च कराया, रिलीज कराया, जिसपे पीवी सिंधु जो हमारी ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है बैडमिंटन की, साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता रेसलिंग के अंदर, और जिम्नास्ट हमारी दीपा कर्माकर जो जिम्नास्ट के अंदर 4th आई थी, इनका फोटो है, यानी डाक टिकट के ऊपर इनका चित्र है। कहां पर हमारे डाक टिकट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया? तो ये किया अगरतला में, जो त्रिपुरा की राजधानी है। और एक स्पेशल कवर भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गोल्डन गर्ल्स ऑफ इंडिया प्राइड ऑफ नेशन। अगला सवाल, राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार यानी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को दिया? ये आपको बताना है। टोटल जो बच्चे हैं वो हैं 25, तो और इनमें से 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मृत्युपरांत यानी पोस्थ्यूमसली ये अवार्ड दिया गया। इनमें से किस व्यक्ति को जो ओला कंपनी है उसने अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है?
और ये पहले पेप्सी को में काम करते थे, इनका नाम है विशाल कॉल। विशाल कॉल बने COO ओला कंपनी के। भारत की वो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका विमोचन किया जाएगा 31 जनवरी यानी आज, और ये अंडर वाटर यानी पानी के नीचे रह के ये काम कर सकती है, जलमग्न ये काम कर सकती है, इसको दागा जा सकता है। तो इस मिसाइल का नाम है K4SLBM, K4, और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है यानी जो न्यूक्लियर बम लेके ये उड़ सकती है, सबमरीन जो पंडुपी होती है वहां से ये उड़ सकती है। वो भारत के पूर्व ओपनिंग बैट्समैन कौन है जिन्हें हेड ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजी, जो आईपीएल होने वाला है, आईपीएल का सीजन है अगला, उसका क्रिकेट ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजी का हेड भारत के कौन से पूर्व खिलाड़ी, पूर्व ओपनिंग बैट्समैन को बनाया गया है? तो इनका नाम है अगेन वीरेंद्र सहवाग, और आईपीएल आप जानते हैं 4 अप्रैल को शुरू होगा। आओबा वेलॉक्स 3 नाम की यह पहली सैटेलाइट है जो ये क्लेम करती है कि ये ऑर्बिट में रहेगी लगभग 2 गुना समय जो इस तरह की सैटेलाइट रहती हैं। तो आओबा वेलॉक्स 3 ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, और 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, बहुत ही शक्तिशाली सैटेलाइट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लॉन्च की गई, और किस कंट्री की है ये? सिंगापुर। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिसाब से, इनकी एनुअल लिस्ट आई है, उसके हिसाब से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का अवार्ड मिला है 2016 के लिए? मोस्ट इनोवेटिव कंपनी यानी ये कंपनी, इनोवेशन का मतलब होता है जब कोई कंपनी नए उत्पाद बनाती है, नई सेवाएं बनाती है, नया कुछ करती है, नया रिसर्च करती है, नए तकनीक करती है, तो उसको बोलते हैं मोस्ट इनोवेटिव कंपनी। तो ये सम्मान मिला 2016 के लिए एप्पल को, एप्पल। गूगल था सेकेंड और टेस्ला है थर्ड, गूगल है सेकेंड, टेस्ला है थर्ड। इनमें से कितना अमाउंट है जो चाइना ने रेज किया है जिससे वो इंटरनेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट कर सके? कितना अमाउंट चाइना ने रेज किया है? ये अमाउंट है 1,00,000 करोड़ रुपए यानी 100 बिलियन युआन। युआन चाइना की करेंसी है, अगर युआन ऑप्शन में ना मिले तो कई बार रेनमिनबी भी आपको मिल सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन से राज्य की पुलिस है जिन्हें ऐसे कैमरा मुहैया कराए गए हैं जो ये अपने शरीर पर पहन सकते हैं? तो ये आपको याद रखना है, इनकी जो पुलिस वालों की जो यूनिफॉर्म होती है उस पर ये कैमरा लग जाएगा जिससे ये निगरानी अच्छी रख सकें। तो कौन से शहर की या राज्य की या डिस्ट्रिक्ट की, जिले की पुलिस को ये कैमरे दिए गए हैं जो ड्रेस पर फिट हो सकते हैं? ये दिए गए हैं गुरुग्राम की पुलिस को, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम। भारतीय मूल के वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें मॉरिशियस का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, इलेक्ट किया गया है? मॉरिशियस के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रविंद जुगनौथ। इनमें से कौन से देश की पार्लियामेंट है जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बिल के फेवर में वोट किया है यानी एक संशोधन किया है अपने संविधान में जिससे इस देश का जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी जो असली ताकत है, जैसे भारत में जो असली ताकत है यानी जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्रधानमंत्री होता है, इसी तरह से रशिया के अंदर प्रेसिडेंट होता है, चाइना के अंदर प्रेसिडेंट होता है जो असली पावर होती है। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है भारत में उसके पास उतनी पावर नहीं होती, वो नॉमिनल हेड होता है, असली हेड होता है प्रधानमंत्री। इसी तरह इस देश में एक संशोधन करके संविधान में इस देश के राष्ट्रपति को असली ताकत यानी एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है। तो ये देश कौन सा है? ये देश है टर्की। टर्की की राजधानी है अंकारा, और जो टर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं एर्डोगान, और एर्डोगान को हटाने के लिए वहां पे कू हुआ था, और यहां पे ये 2029 तक अब एर्डोगान ऑफिस में रह सकते हैं, ये आपको याद रखना है। उन भारतीय मूल के व्यक्ति का क्या नाम है, ये बहुत पॉपुलर है और एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ भी हैं जिन्हें स्टारबक्स कंपनी ने अपने बोर्ड में इनका नाम नॉमिनेट किया है। अब ये स्टारबक्स कंपनी के जो बोर्ड है उसमें इनका नाम आया है क्योंकि इंटरनेशनल ऑपरेशंस यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो डीलिंग्स होती हैं बिजनेस की उनमें इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कंपनी ने कहा है कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस के अंदर, इसीलिए इनको हमने बोर्ड में शामिल कर लिया है, स्टारबक्स कंपनी ने कहा है। तो स्टारबक्स का जो टाई अप इंडिया में वो टाटा के साथ है, और ये व्यक्ति हैं सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। नेक्स्ट,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो हेल्थ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जितना भी अनुसंधान होता है हेल्थ में, उसके लिए व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल फंडिंग वाज एलोकेटेड टुवर्ड्स नेग्लेक्टेड डिजीज लाइक एचआईवी, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ ऐसे रोग हैं जैसे एचआईवी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इनके ऊपर टोटल जो हेल्थ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उनमें इनके ऊपर कितना खर्चा होता है, कितना परसेंट खर्चा किया जाता है। तो ये खर्चा है सिर्फ 1%, ओनली 1%, एचआईवी, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया। लेकिन वर्ल्ड में जितने भी रोग हैं उनमें 12.5% इन तीन रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन उसके बाद इन पे खर्चा होता है सिर्फ 1%। और एक बात और याद रखनी है, जो हमारी ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत में 24% दुनिया के ट्यूबरक्लोसिस केसेस हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है उसमें 24% भारतीय हैं। दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर कौन होगा अगले 25 सालों में, यह एक रिपोर्ट आई है अभी ऑक्सफैम इंटरनेशनल की। इसके हिसाब से दुनिया बिलियनेयर तो बहुत है, लेकिन ट्रिलियनेयर कौन होगा दुनिया का पहला, तो दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर होगा बिल गेट्स। यह कहा है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। इनकी जो संपत्ति है हर साल लगभग 11% बढ़ रही है, तो ये आपको याद रखना है। बिल गेट्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। इनमें से कौन सी बायो इंजीनियरिंग कंपनी है जिसने स्पेन की यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिडाड कार्लोस त्रेस दे मद्रिद के साथ एक 3D बायो प्रिंटर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक कोलेबोरेशन किया है। और ये ऐसा बायो प्रिंटर है जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी त्वचा बना सकता है, एक ऐसी त्वचा बना सकता है नकली जो बिल्कुल त्वचा जैसा काम करेगी। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सी बायो इंजीनियरिंग कंपनी है ये, इसका नाम है बायोडेन ग्रुप, बायोडेन ग्रुप। इनमें से कौन सा खेल है जिसको कंडक्ट करने के लिए कर्नाटक की सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है, कर्नाटक की सरकार ने, याद रखिए तमिलनाडु की सरकार नहीं, तमिलनाडु की सरकार ने आर्टिकल 213 लगा के जलीकट्टू के लिए पास किया है, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक की सरकार ने। तो ये कर्नाटक की सरकार ने जिस खेल के लिए किया है इसका नाम है कंबल। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, सिद्धरमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं। और ये एक कंबल मतलब एक भैंसों की रेस होती है, बफेलो रेस, उसको बोलते हैं कंबल। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने कहा है कि जो बीपीएल यानी जो गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर हैं, उनको पहले ये कहा था इस राज्य ने, ध्यान से सुनिए सवाल को, कि वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें राशन कार्ड तभी दिए जाएंगे, उनको राशन तभी दिया जाएगा जब वो घर में टॉयलेट बनाएंगे। लेकिन फिर इतना आसान नहीं है टॉयलेट बनाना, तो इसलिए ये डिसीजन इन्होंने हटा दिया, तो रूल आउट कर दिया डिसीजन कि राशन कार्ड तभी दिए जाएंगे जब घर में टॉयलेट होगा। तो ये अब वापस ले लिया गया है, और ये वापस लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और एक रीजन और है इसको वापस लेने के लिए, पहले जो ये रूल बनाया था ये इसलिए बनाया था कि ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुली सोच मुक्त इस राज्य को किया जाए, लेकिन फिर जब देखा गया कि टॉयलेट बनाना उतना आसान नहीं है तो फिर इन्होंने ये वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में एक फैसिलिटी, एक स्कीम है एक तरह से, कि वहां पे अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हो इस स्कीम के, तो आप थोड़े से पैसों में आप साइकिल यूज कर सकते हो, साइकिल को उठा सकते हो, फिर उसे यूज करके वापस रख सकते हो, और आपसे थोड़ा सा किराया लिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम है पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट, यानी साइकिल खरीदने की जरूरत नहीं है। आजकल साइकिल भी बहुत महंगी हो गई है, 5-6 हज़ार से कम अच्छी साइकिल नहीं आती है, तो इसीलिए साइकिल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप साइकिल ले लो, आपसे थोड़ा सा पैसा लिया जाएगा और फिर आप साइकिल को वापस कर दो। तो ये जो स्कीम है ये कौन से शहर में स्टार्ट की गई है, इसको स्टार्ट किया भोपाल में, और ये जो साइकिल हैं ये जर्मनी की होंगी, जर्मन बाईसाइकिल हैं, बहुत ही महंगी साइकिल हैं, और इन पे GPS भी लगा हुआ है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपको एड्रेस भी बताएगा। डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और 2009 के बाद ये पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं जिनको एक्सटेंशन मिल गया है। तो इनका जो रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट की डेट आ गई थी, लेकिन इनके अच्छे काम को देखते हुए इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है 1 ईयर का। तो आपसे यही पूछा था कि कितने साल का एक्सटेंशन दिया गया है, 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और एक बात और, हमारे जो शक्तिकांत दास हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्हें भी 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मंत्रालय है हमारा, उसके हिसाब से
जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो किस तरह की न्यूज़ अब नहीं दिखा सकते, कौन सा तरह का कंटेंट है जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नहीं दिखा सकते। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अब राजनीति संबंधी न्यूज़ को नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आर नॉट अलाउड टू ब्रॉडकास्ट एनी प्रोग्राम विच हैव एनी न्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़, तो ये एक गाइडलाइन लगाई गई है। वीनस विलियम, ये अभी अभी सबसे बूढ़ी खिलाड़ी बनी टेनिस के अंदर, बात टेनिस की हो रही है, जो किसी भी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में गई, सेमीफाइनल में गई और फाइनल में भी फिर ये गई, लेकिन अपनी बहन सेरेना विलियम से हार गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, तो कौन से देश की हैं ये? ये हैं अमेरिका की, शी इज एन अमेरिकन, सो द आंसर इज यूएसए। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? रॉजर फेडरर ने जीता है, 18वां इनका ग्रैंड स्लैम था ये। स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने फाइनल में रफाइल नडाल को हराया जो है स्पेन के। और महिलाओं में सेरेना विलियम्स ने अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम को हरा दिया। 3 साल के गैप के बाद नई दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड हुई उसमें कौन से राज्य की झांकी दिखाई गई? 3 साल पहले दिखाई गई थी, उसके बाद अब दोबारा दिखाई गई है 3 साल के बाद, और ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये एक आसान सवाल है, इनका नाम है वायरल आचार्य। फाइनली इन्होंने, ये अनाउंसमेंट खैर पहले हो गई थी, लेकिन इन्होंने फाइनली अपना काम अब स्टार्ट कर दिया है, और ये एक इंजीनियर है आईआईटी मुंबई के। आजकल एग्जाम में काफी डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि वायरल आचार्य कौन से आईआईटी से पढ़े हैं, तो आईआईटी मुंबई। थोड़ा सा करंट अफेयर जब पढ़ें तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप डीप पढ़ें। इनमें से कौन सी ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी है जो भारत के अंदर एक फूड, नया फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है एक ऐप के थ्रू, स्टैंड अलोन ऐप, सिर्फ ऐप के थ्रू? ये एक ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी है और इसका नाम है ऊबर। यस, ऊबर अब फूड के बिजनेस के अंदर आना चाहती है, फूड डिलीवरी सर्विस के अंदर आना चाहती है, और इसका नाम है ऊबर ईट्स। इस सर्विस का नाम है ऊबर ईट्स। इनमें से कितना टाइमलाइन दिया है, कितने महीने का टाइमलाइन, टाइम लिमिट दी है जिससे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा? ये केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं, इनके हिसाब से आपको अगर कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आती है तो इतने महीनों के अंदर अंदर उसे सॉल्व करना है और उसको सबमिट करना है। तो कितना टाइम इसके लिए दिया गया है? ये टाइम है 6 महीने, 6 मंथ्स। अभी अभी एक ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च हुआ जिसका नाम है RUBSIS, रबसिस, और ये जो वो लोग जो रबड़ उगाते हैं उनके लिए है, जिससे रबड़ ये अच्छे से उगा सकें, उसमें जो कॉस्ट है उगाने की वो कम हो जाए और ये अपनी पैदावार बढ़ा सकें। इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया है रबसिस, रब मतलब रबड़, तो ये लॉन्च किया निर्मला सीतारमन ने। हु लॉन्च दिस? निर्मला सीतारमन, जो हमारी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है जिसे IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन मिल गया है कि भारत में अपना ये री इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? तो कौन सी कंपनी है ये? ये कंपनी है स्विस RE, और दो कंपनियों को मिला है, एक लॉयड भी है, लॉयड्स, और दूसरी है स्विस RE, दोनों के नाम याद रखिए। तो ये थे इस हफ्ते के बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस की क्वालिटी मैं कहूंगा इस हफ्ते काफी अच्छी थी, मुझे लग रहा है ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप RBI का उसका एग्जाम दे रहे हैं, IDBI का जो एग्जाम है शायद 3 तारीख को है, उसमें ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा ये जितने भी एग्जाम है सब में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो हिंदी भाषा में मैं आप तक लेकर आया, इसको वीडियो को शेयर करना मत भूलें। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जो भी फेसबुक, जहां पर भी आप शेयर करना चाहें, ये वीडियो हम बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक लाते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे आजीवन, और कोई डोनेशन वगैरह कुछ आपसे नहीं लिया जाता। बस आप एक काम कर सकते हैं हमें प्रोत्साहन देने के लिए, और वो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।